सभी भगवान के सामने खड़ी होती है और रजत की माँ साई को आरती के लिए बुलाती है। सैम रजत और सभी को बोलता है, अगला नंबर तुम दोनों का है, अगली बार तुम दोनों जाओगे पूजा के लिए। सभी धीरे से रजत को कहती है, ये पाप मुझसे नहीं होगा, भगवान को धोखा नहीं दे सकती मैं, नहीं करूँगी, देख लो जो करना है। रजत कहता है, ये तुमको पाप लग रहा है, अगर ये डील कैंसिल हो गई तो मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, 400 लोग मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं, उन सबका घर का क्या, वो तो बेरोज़गार हो जाएंगे। तभी पंडित जी कहते हैं, बेटे और बहू को बुलाओ आरती के लिए। तब रजत और सभी सामने आते हैं। ये देखकर रजत की माँ, बहन और पिता शॉक्ड हो जाते हैं। तभी अमन आके सबको दूर ले जाकर समझाता है कि सभी का रजत की बीबी बनके नाटक करना कितना ज़रूरी है, वरना पहले की तरह ये डील भी रजत के हाथ से निकल जाएगी।